नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चलती स्कूटी पर रोमांस करने वाले कपल्स के बाद अब हरदोई में भी एक बाइक का कपल्स जो है वो वायरल हो रहा है। बता दें कि बाइक्स पर ये रोमांस कर रहे थे और वायरल वीडियो के बाद पुलिस बाइक सवार की तलाश में लगी हुई है। लखनऊ में वायरल हुई वीडियो को लोग अभी भूल भी नहीं पाए थे और हरदोई में सीतापुर हाईवे मार्ग पर बंधा पुलिया के पास एक बाइक सवार लड़के लड़की ने चलती बाइक पर ऐसी हरकत की है जिसके बाद ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में लड़का जो है बाइक चलाता दिख रहा है, जबकि लड़की युवक की गोद में बैठकर उसे बाहों में बाहें भरकर गले लगाते हुए नजर आ रही है। इसका वीडियो किसी ने बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एएसपी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया है कि मामले की जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये वीडियो आया है संज्ञान में, जो व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें बाइक पे एक लड़का किसी महिला को बैठाया है आगे टंकी की तरफ और चला रहा है बहुत तेजी से। तो इसकी जाँच की जा रही है, अभी इसके नंबर को ट्रेस करके और आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र के चौक बाजार में मौजूद एक दुकान पर पारिवारिक विवाद के चलते एक पक्ष द्वारा ही जबरन ताला तोड़कर कब्जा कर लिया गया और विरोध कर रहे दूसरे पक्ष की महिला के साथ बीच बाजार में मारपीट कर दी गई, जिसका वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण बवाल के मामले में शासन के एतमादपुर के ही किसानों पर दर्ज 24 मुकदमे वापस ले लिए हैं और इससे करीब 100 किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। अधिग्रहण का एतमादपुर के किसानों ने विरोध किया था और जेपी ग्रुप के अधिकारी और इसके साथ ही किसानों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी और किसानों पर दर्ज मुकदमे में पुलिस ने चार्जशीट तक लगा दी थी और साल 2009 में बसपा सरकार में जमीनों का अधिग्रहण शुरू हुआ था। विरोध में संघर्ष समिति बनी, कई किसान मुआवजे से संतुष्ट नहीं थे तो वही कई जमीन नहीं देना चाहते थे और छलेसर में ही कई बार प्रदर्शन पथराव और तोड़फोड़ भी हुई है। अब ऐसे तो मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन काफी किसान होंगे क्योंकि मुकदमा अन्य करके लिखे गए थे। कुछ मुकदमे बसपा सरकार में लिखे गए, कुछ मुकदमे सपा सरकार में लिखे गए। काफी लोग प्रभावित थे और कई गांव के लोग प्रभावित थे। मेरा प्रयास रहेगा कि किसानों के सभी मुकदमे वापस हों, इसके लिए मैं प्रयासरत हूं और मुझे उम्मीद है कि माननीय मायावती सरकार के कुचक्र के बाद किसानों ने जीने की आस छोड़ दी थी। लोगों के मकान टूट गए थे, सांसें अदर में लटकी हुई थी, थाने कचोरी किसानों के घर बन गए थे। सपा सरकार ने भी बहुत सारे आश्वासन दिए, लेकिन जो राहत दिखाई है। महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाली रायबरेली पुलिस फेल होती दिखाई दे रही है। दरअसल दीवानी कचहरी पेशी पर आई महिला को उसके पति ने दीवानी न्यायालय के गेट नंबर 1 पर जमकर पीटा और मारपीट कर महिला का पति आराम से मौके से फरार होने में भी कामयाब हो गया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत दीवानी न्यायालय गेट नंबर 1 का है, जहां पति पत्नी में चल रहे विवाद को लेकर न्यायालय में मुकदमा चल रहा था और उसी मुकदमे को लेकर पीड़ित महिला ऋतु वर्मा न्यायालय आई थी। लेकिन जैसे ही वो कोर्ट के अंदर जाने के लिए गेट नंबर 1 पर पहुंची, उसके पति ने उस पर हमला बोल दिया और सबसे बड़ी बात, हैरानी की बात ये रही कि पीड़ित महिला को उसके पति ने पुलिस के सामने मारा पीटा और पुलिस सिर्फ देखती रही। अभी मैं अपने मेरे पति ने मुझे मारा पीटा, मैं यहाँ पर कोर्ट में न्याय मांगने आई तो वो यहाँ पर आके मुझे जान से मारने की धमकी दिया और मुझे मारा है यहाँ पर। क्या नाम है पति का? ऋषि कल्प। तो पुलिस की सुरक्षा यहाँ नहीं थी? कुछ नहीं है, सब बर्बाद है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ नाम के ये सब लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, कुछ नहीं है यहाँ पर, बंद करो ये सब यहाँ पर, सब ऐसी गांधागर्दी मची हुई है।
रायबरेली से खबर है, जहां दीन शाह गोरा ब्लॉक क्षेत्र के दुर्गापुर गांव की रहने वाली एक महिला परसों पीड़ा से कराह रही थी। परिजनों द्वारा उसे 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोरा ले जाया जा रहा था और तभी रास्ते में महिला ने एम्बुलेंस में ही बेटे को जन्म दिया। दुर्गापुर निवासी पूनम परसों पीड़ा से कराह रही थी, तभी परिजनों के द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से गोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहां पर ले जाया गया था और सीएचसी के अधीक्षक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिसोदिया ने बताया है कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ है। गरोठा थाना अंतर्गत ग्राम निपान निवासी युवक ने बताया है कि उसकी बेटी 14 साल की है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। वहीं पीड़ित परिवार को सूचना मिली कि उसकी झांसी में शादी कर दी गई है, जबकि लड़की 14 वर्ष की नाबालिग है और वहीं पीड़ित परिवार को लड़की भगाने वाले लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित परिवार कोतवाली के चक्कर लगा रहा है और लगाकर चक्कर परेशान हो चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक उसकी नाबालिग बेटी को बरामद नहीं कर पाई है, जिससे पीड़ित परिवार लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है कि उसकी पुत्री की तलाश की जाए। क्या नाम आपका? अच्छा, कहाँ की निवासी हैं आप? अच्छा, तो आज आप गरोठा कोतवाली में आई, क्या आपके साथ घटना घट गई है? हमारी बच्ची को 2 बजे रात को ले गए हैं। कौन लोग ले गए? और उनके साथ भी हेमंत, हरी सिंह, अच्छा, सुनील जी, ये लोग कहाँ के निवासी हैं? अच्छा, तो इसका मुकदमा आपने थाने में नहीं लिखाया? थाने में लिखा था, उन्होंने अपनी मर्जी से मुकदमा लिखाया और हमारा मुकदमा कहते ले जाओ, नहीं तो आपको जान से मार डालेंगे, आप दूसरी भी लड़की को ले जाएंगे। अच्छा, मारने की धमकी देते हैं, दबंग लोग हैं वे सब। अच्छा, हमारी कोई सुनाई नहीं होती। अभी तक बच्ची का भी कोई पता नहीं चला? पता नहीं लगा बच्ची का। आप क्या चाहती हैं? हमें चाहते हैं कि हमारी सुनाई नहीं हुई तो हम आगे जाएंगे, सीधी लखनऊ जाएंगे, कप्तान लो आए जहाँ से, कोई सुनाई नहीं हुई। महोबा में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर SDM में सरकारी विद्यालय के पहुंचकर बुंदेली भाषा का आम बोलचाल और पढ़ाई में प्रयोग करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बुंदेली भाषा का प्रयोग से बच्चों की पढ़ाई आसान हो जाए। और SDM ने बच्चों से भाषा को लेकर सवाल जवाब भी किए हैं और सही जवाब देने वाले बच्चों को प्रोत्साहन भी और इसके साथ ही प्रोत्साहन राशि का उनका हौसला बढ़ाया है राशि से। और इसी के साथ इस मौके पर बच्चों ने भी बुंदेली गायन का सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुत किए हैं। आज 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में आदरणीय SDM साहब के साथ में हमारे कंपोजिट विद्यालय कमालपुरा का सर के द्वारा निरीक्षण भी किया गया है और यहाँ पर बच्चों के द्वारा बुंदेली में कुछ गीत भी प्रस्तुत किए गए हैं। सर ने सभी को निर्देशित किया है, समस्त स्टाफ को, कि अपनी लोकल लैंग्वेज बुंदेली को बढ़ावा देना है बोलचाल में और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी प्रयोग करना है उसको, ताकि हम लोग उसमें बेहतर कर सकें। आज प्राथमिक विद्यालय कमालपुरा में जो है प्रथम तो मैंने अपना निरीक्षण रखा था विद्यालय का खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के साथ में, और द्वितीय आज 21 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की स्थापना की गई थी, तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने विद्यालय में जो है कार्यक्रम के लिए कहा था कि एक हम अपनी प्रसार प्रसार के लिए मातृभाषा के लिए एक कार्यक्रम रखे हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। योगी सरकार भले ही अधिकारियों को तत्परता से जन सुनवाई करने का निर्देश जारी करती हो, लेकिन जन सुनवाई को लेकर यूपी के अधिकारी कितने सजग हैं और इसकी बानगी तहसील समाधान दिवस में देखने को मिली है। यहां पर DM की अध्यक्षता में आयोजित तहसील समाधान दिवस में तमाम अधिकारी नहीं पहुंचे, तब DM ने 9 अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश जारी किए। बताया जा रहा है कि शनिवार को महाशिवरात्रि का पर्व होने के चलते सोमवार को पीलीभीत की पुनरपुर तहसील में ही DM की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का आयोजन हुआ था और DM प्रवीण कुमार लक्षकार को तो तय समय पर तहसील समाधान दिवस में जन सुनवाई करने के लिए पहुंच गए, लेकिन जो लोग थे अधिकारी थे तहसील समाधान दिवस में पहुंचने की जहमत नहीं उठाई गई और DM के संज्ञान में जब अधिकारियों की लापरवाही का मामला सामने आया तो DM इस पूरे मामले पर सख्त हो गए और तमाम अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने से हुए उनका स्पष्टीकरण तलब किया है। अधिकारियों पर वेतन रोकने की कार्रवाई की गई, क्या पूरा मामला है, कितने लोग हैं?
देखिए हमारे यहाँ पे जो तहसील दिवस है पूरनपुर में सोमवार को आयोजित हुआ था और शनिवार को शिवरात्रि का अवकाश था, तो वहाँ पे 9 हमारे जिला स्तरीय अधिकारी ऐसे थे जो नहीं पहुँचे थे, तो उनका एक दिन का वेतन रोकने की कार्यवाही की गई है और सभी का स्पष्टीकरण मांगा गया। गोरखपुर से खबर है जहां कार्यालय विकास आयुक्त वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित और जनता ग्रामीण सेवा संस्थान जनपद संत कबीर नगर द्वारा आयोजित भारत के कई प्रांतों की आकर्षक कलाकृतियां और वस्तुओं की प्रदर्शनी और बिक्री हेतु 10 दिवसीय शिल्प बाजार गोरखपुर का उद्घाटन टाउन हॉल में मौजूद कचहरी क्लब गोलघर गोरखपुर में मुख्य अतिथि पर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी द्वारा फीता काटकर किया गया है। मैं इसका सहयोग भी मिलता है, यहाँ की जनता भी जो है विजिट करती है, खरीदारी भी करती है, तो जिसकी वजह से यहाँ हर साल जो है इस प्रकार के प्रोग्राम होते रहे हैं और मेरे इस पीरियड में मैंने कई प्रोग्राम देखे हैं, तो इस बार शुरुआत हुई है महोत्सव का आयोजन किया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे 100 से अधिक स्टॉल्स लगी हुई हैं, विभिन्न प्रदेशों से लोग आए हुए हैं। हस्तशिल्प का जो मेन आपका उद्देश्य होता है, एक तो वो उनका जो यूनिक प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, हाथ से बने होते हैं, उसमें मेहनत ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा उनका मूल्य ज़्यादा होता है, तो पर वो जैसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें मेहनत और कारीगरी और जो कला होती है वो बहुत अनोखी होती है। तो आप लोगों के माध्यम से मेरी ये अपील होगी सारे लोगों को, जो हस्तशिल्प वाले जो कारीगर हैं, जो मेहनत से अपना शिल्प बना रहे हैं, तो उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको जागरूकता करें। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। फर्जी बेनामा तैयार करने वाले एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में थाना कुतुबेश्वर पुलिस को सफलता मिली है और वांछित और वारंटी अभियुक्तों की धरपकड़ के अभियान के अंतर्गत थाना कुतुबेश्वर के प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में ही गठित टीम द्वारा फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर फर्जी क्रेता विक्रेता और गवाह तैयार कर फर्जी बेनामा करने वाले गिरोह का 9 फरवरी 2023 को भंडाफोड़ किया गया था और इसी क्रम में ही थाना कुतुबेश्वर की पुलिस द्वारा ही उक्त गिरोह से वांछित चल रहे अभियुक्त प्रेम कुमार पुत्र रामदिया निवासी ग्राम ताहरपुर को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार, उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार शर्मा और हैंड कांस्टेबल निपेंद्र सिंह, कांस्टेबल राजन कुमार शामिल रहे हैं। तो सहारनपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बताते चले आपको कि वांछित अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, लगातार कार्रवाई की जा रही थी जिसके बाद पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। ये भी आपको जानकारी दे दें कि फर्जी बेनामा तैयार करने वाले एक वांछित अभियुक्त को थाना कुतुबेश्वर पुलिस को सफलता मिली है जिसके द्वारा ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वांछित और वारंटी अभियुक्तों की धरपकड़ के अभियान के अंतर्गत ही थाना कुतुबेश्वर के प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में ही गठित टीम द्वारा फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर फर्जी क्रेता विक्रेता और गवाह तैयार कर फर्जी बेनामा करने वाले गिरोह का 9 फरवरी 2023 को भंडाफोड़ किया गया था और इसी क्रम में ही पुलिस द्वारा ही उक्त गिरोह के वांछित चल रहे अभियुक्त प्रेम कुमार पुत्र रामदिया निवासी ग्राम ताहरपुर को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार, उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार शर्मा और इसके साथ ही कांस्टेबल और इसके साथ ही दीपेंद्र सिंह कांस्टेबल राजन कुमार भी शामिल रहे हैं। खबर उन्नाव से है जहां बीती रात घर के कमरे में अकेली सो रही महिला की साड़ी से गला दबाकर हत्या कर दी गई। सास ने दरवाजा खोला तो उसका शव बेड पर पड़ा हुआ देखा गया जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर सीओ और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और हत्या की सूचना पर एएसपी ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि मृतक के ही प्रेमी ने प्रेम प्रसंग के चलते घटना को अंजाम दिया। फिलहाल खुलासे के लिए पुलिस ने एक संयुक्त टीम को लगाया है। उन्नाव जनपद के बिघापुर कोतवाली क्षेत्र की अटवट गांव के रहने वाली सोनी की पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के चमियानी
अग्नू वाखेड़ा के रहने वाले महेश चंद्र लोधी के साथ 3 साल पहले विवाह हुआ था और शादी के करीब 1.5 साल बाद पति विदेश दुबई में नौकरी करने चला गया था और पत्नी सोनी परिवार लोगों के साथ रह रही थी। बीती देर रात ही खाना खाने के बाद सभी अपने कमरे में सोने चले गए थे। रात करीब 1 बजे पास में ही लेटी 8 महीने की बेटी आयुषी के रोने की आवाज आई तो सास चंद्रवती ने बहू को बुलाया तो ना बोलने पर दरवाजे की कुंडी खोली तो बेड पर उसका शव पड़ा था और शव देख परिवार में कोहराम मच गया। आनन फानन में घटना की जानकारी पूर्वा कोतवाली पुलिस को दी गई, जिसके बाद पूर्वा सीओ संतोष कुमार सिंह, इंस्पेक्टर चंद्रकांत सिंह और इसके साथ ही पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की तो गला दबाकर हत्या होने की बात सामने आई है। मर्डर की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर सिंह मौके पर पहुंचे और घटना को लेकर परिवार के लोगों से पूछताछ की। पुलिस का दावा है कि खुलासे के लिए टीमों को बुलाया गया है और जल्द ही घटना का राजफाश किया जाएगा। बताते चले आपको कि रात 2 बजे पुलिस को मृतका सोनी के ससुर अरुण ने घटना की जानकारी दी और सूचना पर कोतवाल पुलिस मौके पर पहुंचकर और छानबीन करते हुए शव पंचायत नामा भर कर पोस्टमार्टम को भेज दिया। सूचना पर एएसपी शशि शेखर सिंह और सीओ संतोष सिंह मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया और एएसपी शशि शेखर ने बताया है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और उसके साथ ही आपको बता दें कि FIR पंजीकृत कर ली गई है और हत्या आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। आज एक महिला की हत्या हो गई है, क्या कारण है, कैसे क्या घटना है पूरी? ग्राम चिमियानी के मदरांगणू खेड़ा में एक महिला, उसकी हत्या हुई है। इसके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में FIR पंजीकृत किया जा रहा है और शीघ्र ही जो इसमें अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। अब तक की जाँच में क्या पता चला है? अभी तक की जाँच प्राथमिक अभी स्टेज पे है, अभी कुछ कहना संभव नहीं है। जैसे कोई ठोस बात होगी हम आपको बताएंगे। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। राज पंचायत अधिकारी किरण चौधरी ने ब्लॉक चमूहा ब्लॉक के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और बैठक में राज्य पंचायत अधिकारी करण चौधरी और इसके साथ ही डॉक्टर एडीओ पंचायत मौजूद रहे हैं। समस्या बैठक में सचिव मौजूद नहीं रहे तो फिर DPR किरण चौधरी ने एक दिन का वेतन काटा। राज पंचायत कार्यक्रम चौधरी ने बताया है कि विकास खंड चोमा जिसमें समीक्षा बैठक की गई थी और बैठक में सचिव मौजूद नहीं रहे तो एक दिन की कटौती वेतन में की गई है और जिसमें ग्रामवासियों की समस्या भी सुनी गई है और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। यदि कोई लापरवाही पाई जाती है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये आदरणीय CDO सर के निर्देशन में बैठक की गई है। इसमें इस ब्लॉक में दोनों ही रिपोर्ट हमारी काफ़ी ख़राब थी तो इसमें सभी सचिव और पंचायत सहायक को बुलाया गया है। MOIC भी आए हुए थे तो इसमें हमारी कोशिश ये है कि आशा और पंचायत सहायक में परस्पर कोऑर्डिनेशन बनवा करके आयुष्मान कार्ड को 1 सप्ताह में हम लोग पूरा करते हैं। कोई कार्रवाई भी आपके द्वारा की गई है पंचायत सहायकों? हाँ, जो पंचायत सहायक काम नहीं कर रहे हैं उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जो सचिव नहीं आए हैं उनका आज का वेतन रुका जाएगा। तो मथुरा से आपको खबर बता रहे हैं। राज पंचायत अधिकारी किरण चौधरी ने ब्लॉक चमूहा ब्लॉक के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक में राज पंचायत अधिकारी किरण चौधरी और डॉक्टर एडीओ पंचायत मौजूद रहे हैं और समस्या बैठक में सचिव मौजूद नहीं रहे जिसके बाद कार्रवाई की गई है। बताते चले आपको कि DPR किरण चौधरी ने एक दिन का वेतन जो है वो काटने का आदेश दिया है। बताते चले कि पंचायत कार्यक्रम चौधरी ने बताया है कि विकास खंड चोमा जिसमें समीक्षा बैठक की गई थी और बैठक में सचिव मौजूद नहीं रहे तो एक दिन की कटौती वेतन में की गई है जिसमें ग्रामवासियों की समस्या भी सुनी गई है इस बैठक में और इसके साथ ही आपको बताते चले कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। यदि कोई लापरवाही पाई जाती है तो कठोर कार्रवाई होगी, ऐसे भी आदेश दिए गए हैं। बताते चले आपको कि इसको लेकर DPRO किरण चौधरी ने भी कहा है कि अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है और लोगों की समस्याओं को भी सुना गया है और इतना ही नहीं उनकी समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश की जा रही है। राज पंचायत अधिकारी किरण चौधरी ने ब्लॉक चमूहा ब्लॉक के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।